तिलका मांझी से कोतवाली तक सड़क किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। भागलपुर शहर की सड़कें ऐसे ही संकीर्ण हैं, उसके ऊपर हर सड़कों के किनारे अवैध रूप से फुटकर विक्रेताओं द्वारा दुकान लगा दी जाती है, जिससे शहरवासियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर देखते ही देखते जाम में तब्दील हो जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तिलका मांझी चौक से कोतवाली तक सड़कों के किनारे अवैध रूप से चल रहे सभी फुटकर दुकानदारों की दुकानों को हटाकर फुटपाथ के क्षेत्र में हटवाया है। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ जहां जिला प्रशासन का अवैध रूप से बने दुकानों पर जो बुलडोजर चला है वो कब अमल हो पाता है या फिर से इसी तरह ये दुकान सज जाती हैं। हम लोगों को तिलका मांझी से घंटाघर चौक, कचहरी चौक, ये खलीफाबाग चौक, कोतवाली, ततारपुर स्टेशन, चार जगह कर रहे हैं। किसके आदेश से है? ये अनुमंडल से आदेश निकला है, जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था, उसी के आधार पर ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं, फाइन भी ले रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहा है उसका सामान उठा के नगर निगम में जगह। कितना का फाइन हो चुका है अभी तक? लगा है 12 आदमी का हुआ है, 12 नौ 2400 रुपया, 2400 रुपया हो चुका है। परिचय बताइए। हम सरोज कुमार, मेरा नाम है, लघु सिंचाई कन्या बनता है। हाँ ठीक।